आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक कूल सीनियस इंटेलिजेंट प्ले बॉय और बिलियनर सुपर हीरो यानी कि टोनी स्टार्क के घर से। दुनिया को एक और बार बचा के टोनी स्टार्क अपने घर में आया ही था, लेकिन उसे कहां पता था कि उसके साथ घटने वाली थी अनहोनी। सर्विस, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, जल्दी से अपडेट सुनाओ और फिर टीवी शुरू करो। सर, थोड़ी देर पहले हमारे घर में एक घुसपैठिया घुसा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो चला गया है। ओके, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अब जल्दी से टीवी शुरू करो क्योंकि बकेट हेड का नया वीडियो आने वाला है। आज तो मजा आ जाएगा। क्या बत्ती गुल हो गई? अरे यार, मैं तो किडनैप हो गया। तो टोनी स्टार्क को किडनैप करके उसे एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर रखा गया, लेकिन अपने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से वो इस प्रिजन में से भागने में कामयाब रहा। तो फाइनली मैं प्रिजन से फरार होके आ गया हूँ, लेकिन यू को तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ऐसा क्यों है इसके मेरे पास बहुत सारे रीजन है। तो गाइस, प्रिजन के अंदर मुझे मिलता था फ्री का खाना, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का बेड और कभी कभार फ्री की मसाज, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुझे अपने आप करना पड़ता है। यहाँ तक खाने को पकड़ना पड़ता है, उसको पकड़ के पकाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है। लिटरली इतना स्ट्रगल तो अनन्या पांडे भी नहीं करती। एनीवे गाइस, तो प्रिजन से बाहर निकलने के बाद मुझे घर वापस जाना है और उसके लिए मुझे चाहिए होगा अपना सूट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे सूट और सर्विस के साथ का कॉन्टेक्ट मेरे मिलियन डॉलर के बंगले पे सूट और टूट गया है। यानी कि लोहा मैन बनने के लिए मुझे शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो ए वो प्रिजन जहाँ पर मैं कैद था, लेकिन अब वक्त आ गया है इन सारी बातों को भुला के हमारे काम यानी कि लोहा मैन बनने पे ध्यान देने का, और इसकी मैं शुरुआत करूंगा धमाकेदार संप के साथ। अरे वाह, मजा आ गया, ठंडी का यही तो मजा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाओ, खाना खाओ और फिर सो जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा, लोहा मैन बनने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उनको इकट्ठा करने में कई दिन भी लग जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने सर के ऊपर छत बनाऊंगा और उसके बाद ही हमारे सूट के ऊपर काम शुरू करूंगा। बट उससे भी पहले मैं अपने बेसिक टूल्स और बेसिक आर्मर के ऊपर ध्यान दूंगा जो कि मुझे रात होने से पहले बनाने हैं, क्योंकि रात होने पर ऐसे ऐसे मॉब्स और ऐसे ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जो कि मुझे एक ही बार में मार सकते हैं। और हाँ, मुझे भूख भी लगने लगी है, तो मुझे इसका भी कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। वाओ, शिकार का नाम लिया और शिकार हाजिर। तो मुर्गियां दिखती मेरे दिमाग में घूमने लगा चिकन लेग पीस, और इसीलिए मैंने जल्दी से पेड़ काटा, उसके प्लैंक्स बनाए और उसकी मदद से बनाया एक मल्टीटास्किंग वेपन यानी कि वुडन एक्स। एनीवे, वो मुर्गी भाग क्यों रही है? कहां भागेगी तू? हां, कानून के हाथ लंबे है, लेकिन मेरे हाथ उससे भी लंबे है। ठीक है, नहीं तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मुर्गिया को मार के मुझे केव के हो गए है। अब मुझे इन दोनों वुडन के वेपन्स को कोई बढ़िया जगह ढूंढ के पानी के अंदर अर्पण कर देना है ताकि इन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाए। अगला दिन होते ही मैंने खाना ढूंढना शुरू किया और उसी वक्त मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। भूखे मारे मेरी हेल्थ कम होना शुरू हो गई थी, और जब तक मैंने खाना इकट्ठा किया उसे खाया तब तक मैं मेरे पास आधा हार्ट बचा था। यानी कि एक भी सेकंड इधर उधर हो जाती तो फिर मेरा वक्त बदल जाता, जज्बात बदल जाते और फिर मैं आपको कहता, मारो मुझे। तो खाना खाके जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे मुझे दिखते हैं अलग अलग मॉब्स जिसको मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन मुझे भी कहां पता था कि ये तो बस टीजर था, पूरी सीरीज तो अभी बाकी है। इस मकड़ी को मैं क्या बुलाऊ, मकड़ी डबल मकड़ी, मकड़ी मकड़ी की कैप के साथ, या फिर मकड़ी अलग नशे वाली? बट इसकी स्पीड बहुत है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। क्या सोच रही हो मुर्गी बहन, ये दुनिया बड़ी जालिम है। सही कहा भाई, ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने अपने फायदे के लिए लोगों को मार देती है भाई, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस दुनिया से आप निकल जाओ मुर्गी बहन। एनीवे गाइस, तो जब तक खाना पक रहा है तब तक मैं अपने बेड का इंतजाम कर देता हूँ, क्या बोलती हो भेड़ बहन? हाँ, मैं तुम्हें ही मारूंगा मैं सबसे पहले। तो खाना और वूल को इकट्ठा करने में रात हो गई, और माइनक्राफ्ट के अंदर रात का मतलब है मॉब्स का पार्टी टाइम। जल्दी से खाना लेकर अंडर कवर होते, वही अंडर कवर होने का वक्त आ गया है। ओके गाइस, तो अगला दिन हो गया है और अब वक्त आ गया है हमारे थोड़ी प्रोग्रेस करने का। सो लेट्स सी बाहर क्या क्या चल रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा कोई आकर धप्पा ना कर जाए भाई। तो मेरा पहला गोल रहेगा कोल को इकट्ठा करना, फिर गोल रहेगा रिसोर्सेस इकट्ठा करना जिससे मैं अपने घर को बना सकूं, और उसके बाद मैं उन रिसोर्सेस को इकट्ठा करूंगा जो कि हमारे सूट बनाने में काम आएंगे। ओके, तो गाइस मैं आ गया हूँ फ्लावर बायोम के अंदर, और आप इसे देखो यार, क्या मस्त लग रहा है। मैं यहाँ पर अपना घर बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और ना ही खाना है। वेट, मैं यहाँ पर सही में घर बना सकता हूँ यार,
ये जगह मस्त है। तो घर बनाने की जगह डिसाइड होने के बाद मैंने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मैं जा पहुँचता हूँ एक बंद पड़ी हुई पुरानी माइन के अंदर। तो ये माइन मेरे बहुत ही काम में आई और ऐसा क्यों है इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। अरे वाह, सामने तो दो चेस्ट है और यहाँ पर आयरन भी है। ओके गाइस, तो मैंने आसपास के सारे आयरन और कोल को माइन कर लिया है। अब बारी है यहाँ की चेस्ट को खोलने की। तो देखते भाई इसमें इसके अंदर डायमंड है। अब देखते हैं इस लूट को, इसके अंदर भी एक दो डायमंड्स मिल जाए तो मेरी पिकेक्स का बंदोबस्त हो जाएगा। चार डायमंड्स यानी कि मेरे पास हो गए टोटल 5 डायमंड। इसका मतलब मैं एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड दोनों ही बना सकता हूँ। आगे घर के ऊपर काम शुरू करने से पहले मैंने एक और काम किया जो कि था खेती बाड़ी, क्योंकि मैं खाने का एक ऐसा सोर्स आता था जिससे मुझे खाना मिलता रहे। ओके, तो मैंने इतना खाना लगा दिया है और अब ये जल्दी से उग जाएगा और मैं फाइनली हमारे घर का खाना खा सकता हूँ। तो खाने को अपनी हालत पे छोड़कर मैंने फाइनली घर को बिल्ड करना शुरू किया। तो गाइस, कई सारी मेहनत के बाद हमारा घर तैयार हो चुका है और अब बारी है हमारे घर का टूर अप करने की। अबे एक कौन सा ज़ॉम्बी है? ठीक है कोई ना, हम इसको बाद में देखेंगे। एनीवे गाइस, तो ये है हमारी बालकनी एरिया जहाँ पर हम ऐसे वैसे घूम सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बेडरूम, यहाँ पर हमें डबल बेड देखने को मिलेंगे। पता नहीं इसका क्या काम है लेकिन फिर भी मैंने डबल बेड लगा दिए और बेडरूम के अंदर ही मैंने कई सारी चेस्ट भी लगाई है इनकेस मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे डायमंड और बहुत सारी चीजें हो जाए तो मैं इनको यहाँ पर रख सकता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे, जिसको वर्किंग फ्लोर भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल है और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक एरिया भी बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है वर्क प्लेस। तो इस वर्क प्लेस पे मैं करूँगा हमारे सूट के ऊपर काम, यानी कि इन फ्यूचर